it's a very interesting improvised filmmaking, and I like it. The music is very good. The casting is very good. बहुत ही different film है ये, जो दूसरी हमारे routine में filmें बनती हैं उससे बहुत different चीज है ये. And I believe the film has a lot of potential. Daira, I would say, was a trendsetter at its time. ये कैसा Daira? Daira उस सर्कल का नाम है, उस इनसर्कलिंग का नाम है, जैसे एक मौत फ्लेम के गिर्द घूमता है, जैसे एक परवाना शमा के गिर्द घूमता है, या जैसे एक दरवेश, वर्लिंग दरवेश ऑफ कॉर्निया, गोल गोल घूमता है, जैसे लाइफ घूमती है, या लाइफ के गिर्द आप घूमते हैं, या वो आपको घुमाती है. Daira एक इसी कॉन्सेप्ट का नाम है, एवोल्यूशन का नाम है. जिनने लॉ नहीं लिखा वो जमने आई नहीं. ये कहानी भी इसी शहर के गिर्द घूमती है और इसी गर्दिश में एक ऐसा Daira खींचती है जिसने सबको अपनी लपेट में ले रखा है. मैं जब कॉलेज गया था अमेरिका में तो मुझे लाहौर बहुत याद आया था. आई वांटेड टू राइट अबाउट अर्बन यंग लाहौरीज. मेन सब्जेक्ट था कि इफ यू आर द रिच एंड द पावरफुल इन पाकिस्तान यू गेट अवे विद इट. सुना है हीरा कोयले से बनता है, शायद इसीलिए यहां की हर गली खोप अंधेरे में गुम किसी कोयले की कान मालूम देती है, और यहां पे आए व्यापारियों की हवस किसी हीरे की तरह चमकती है. यहां हर रोज एक मंडी लगती है, सुबह अखबार में आए सोने और चांदी के भाव की तरह रात यहां हीरों के दाम तय होते हैं. Character is of a rickshaw driver, a rickshaw fleet captain, if I may. मेरे लिए सुकून की गली का पहला दरवाजा मुराद बादशाह ने खोला था. मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरी चाबी भी तो नहीं थी. मुराद बादशाह और मैं क्लास फेलोज थे. And he's a self-styled gangster. और ये अपने ही persona में, अपने ही aura में रहता है. He deals in drugs. And he's, I think, a very Lahori interpretation, if I may, of Robin Hood. Aur life ki badi mazedar wo baatein karta hai, especially jab wo murgha ban ke dekhne ki baat karta hai, ki aap life ko agar murgha ban ke dekhe taangon ke beech se, to wo perspective hi aur hota hai. I think it's just brilliant. Murgha ban ke, and like this, I like this, Rabbe. मेरा नहीं क्या अरे कभी देखियो शहजादे, सारे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे यार शहजादे, सारे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे. पूछ रहे शहजादे, मुझे तो लोड शेडिंग में ना बड़ा ही मजा, तो ये मसनूई माहौल तर तर नहा रहे होते हैं पसीने, और मुझ जैसे फटाफट फटफट बनैन पहने गुजर जाते हैं इनके पास से. फिकर नफाका और दस काका. मैं ये समझता हूँ कि मुराद बादशाह डेफिनेटली डिजर्व्ड एन अवार्ड, सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन फॉर अ फर्स्ट टाइम एक्टर. और मुर्गा वाल मुर्गा वाल फिल्म ओरिजिनल है, स्क्रिप्ट ओरिजिनल है, परमिशन सबके हैं, तो म्यूजिक क्यों चोरी किया जाए? आपकी आती नहीं रात भर रात. इट्स माइंड ब्लोइंग, ग्रेट एक्सपीरियंस. इट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट. That carried me away, you know, the way Shahzad acted, the way the whole thing is, the mood, the temperament.
was my, you know, one of the dreams, you know, to work for some big musical film or something. And this is the perfect opportunity, I guess. मैं तो मैं छूता हूँ तो क्या लगता है क्या ऐसे जैसे मेरे पैरों के नीचे से ग्रेविटी निकल गई है I feel like I'm floating अगर दस्तक से ना खोले तो उन्हें तोड़ देना चाहिए मौत भी तो हमसे पूछे बगैर आती है ڈرگز وغیرہ وہ تو بیسکلی سمبلزم تھے اسکیپزم کے کوئی ڈرگز میں اسکیپ کرتا ہے سوسائٹی میں کوئی کانٹیکٹس میں کرتا ہے وی آر آل رننگ اوے اینڈ فائنڈنگ آر اون اسکیپ گوٹس دارو اصل میں بات یہ ہے یار کہ ہیش چاہیے یار اور میں اس علاقے کا ڈیلر ہوں وہ تو غلط سمجھ رہا ہے بڈز وہ یار وہ آگا کی پارٹی ہے اور I was wondering ke I mean come on yaar bail me out kitni chahiye bas char tupri raider is your typical average pakistani mind who likes to dream on without really doing anything about it hey, big time party mere jaan tu khela baitha hai oh yaar waise tere mein bade guts hai tune jo jeevan ke sath kiya na badi wah wah ki hai याद रखेगा साला ऐसा सब्जेक्ट मेरे ख्याल में उस पर पहले काम नहीं हुआ ड्रग्स का भी एक सब्जेक्ट है इट वाज अ बोल्ड स्टेप जो शहजाद ने लिया जाइए बड़े तू तो मेरी ही पार्टी में मुझे तू सौदा बेच रहा है यार चल मैं किसी और को बेच दूंगा मेरा क्या है बोल तो जाइए बोल तो यार मैं वैसे तो तीन की बेचता हूँ लेकिन तेरे लिए टू के ओनली मेरी जान डिफरेंट स्टाइल में इसको शूट भी किया है और इसका साउंड ट्रैक जैसा कि सबको पता है कि इट्स द बिगेस्ट साउंड ट्रैक आज तक पाकिस्तान में जितनी भी टेलीफिल्म्स बनी है उसमें बिगेस्ट साउंड ट्रैक है इसका सब सिंगर्स हैं इसमें ऑलमोस्ट एक गाना मैंने इसके लिए किया था दारा के लिए फ्रॉम माई हार्ट